बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और नए कैटल फार्म पे। वैसे तो कैटल फार्म ये माशाल्लाह काफ़ी पुराना है, काफ़ी सारी माशाल्लाह ब्यूटीज़ आपने इनकी ऑलरेडी देख रखी होंगी। लास्ट ईयर बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है, पलाई से रिलेटेड भी, कलेक्शन से रिलेटेड भी। और आज भी बेसिकली मैं इनकी जो है ना वो एक प्रीमियम से थोड़ी दरमियानी वाली कलेक्शन में बोलूँगा वो आपको दिखाने के लिए आया हूँ। टॉप नॉच कलेक्शन में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सीज़न में, और कुछ छोटे जानवर भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। फार्म का नाम बताता चलूँ, सेवन ब्रदर्स कैटल फार्म पर मैं मौजूद हूँ, और लोकेशन इनकी है गुलमोहर सोसाइटी, दुम्बा गोड के करीब है गुलमोहर सोसाइटी। हाईवे पर आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगी। मैं वैसे ओनर का नंबर और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी पिन लोकेशन में डाल दूंगा। तो आज जो हम जानवर यहाँ पर देखने वाले हैं वो तकरीबन 5 लाख की प्राइस रेंज से लेके 12 लाख तक की प्राइस रेंज में है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह इनके और भी जानवर पंजाब में खड़े हैं जो कि दरमियानी रेंज यानी 3 से 5 वाली रेंज और 3, 4, 5 वाली रेंज वाले जानवर भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आज जो कलेक्शन है ना इंशाल्लाह देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें पूरे भरपूर नस्ल के अंदर तैयार बछड़े खड़े हुए हैं, चोलिस्तानी में भी हैं, मेल में भी हैं, गुलाबी उसमें भी हैं, नुकरा भी है, तो मुख्तलिफ वैरायटी है। 7-8 बछड़े दिखाऊंगा, और हो सकता है जो इनके टॉप नॉच बछड़े हैं ना जो इन्होंने सीज़न में दिखाने हैं उनकी भी एक आध हो सकता है आपको मैं झलक दिखा दूँ। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी माशाल्लाह स्टार्ट ही मैं बहुत ही कोई एंटीक ब्यूटी से कर रहा हूँ। दोनों आंखों के ऊपर पासा लिया हुआ गुलाबी, नाक के अंदर बछड़ा आ रहा है, ज़रा चेहरा यार इधर कराओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये मुझे अभी रिजवान भाई जो ओनर हैं उनकी पॉलिसी मालूम नहीं है, ये आप उनसे मालूम कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इनमें से आज जितने भी आपको बछड़े दिखाने वाला हूँ कोई सा भी बछड़ा आप जो है ना वो अगर परचेज़ करते हैं, रिजवान भाई अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप मेरे फार्म पे भी चाहें तो आप इसको पलाई पे भिजवा सकते हैं। ऐसे आपको पता है मैं बाहर से वैसे जानवर पलाई के नहीं ले रहा हूँ अब अपने फार्म पर, लेकिन ये जिस टाइप की कलेक्शन आज आपको दिखा रहा हूँ तो माशाल्लाह कलेक्शन देख के मेरा ही जो है ना माशाल्लाह दिल खुश हो गया इतना कि इनमें से कोई भी जानवर अगर आप चाहें तो बेझिझक, अगर रिजवान भाई अलाउ करते हैं फार्म से बाहर के लिए तो आप जो है ना मेरे पास भी भिजवा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। भरपूर नाफे झालर के अंदर, मेल के अंदर बछड़ा आ रहा है, दांतों में अभी सिर्फ 4 हुआ है, और हाइट में, लेंथ में, वजूद में, हर एतबार से माशाल्लाह भरपूर बछड़ा है, और प्राइस रेंज इतनी मुनासिब है। इतने बड़े बड़े बछड़े बिल्कुल तैयार बछड़े हैं ये, 5 लाख से लेके आपको 12 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। यार ज़रा थोड़ा सा चलाना शुरू करो, उस तरफ से भी बछड़े का हुसन ज़रा दिखे, चाल वगैरह देखें। आगे पीछे से मुकम्मल बराबर बनाव के अंदर है, पीछा देखें माशाल्लाह धुम कितनी चौड़ी है, भरपूर बनाव में बछड़ा आ रहा है, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। चेक करो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वापस लेकर आओ। तो ये तो अभी स्टार्ट है भाई, आगे आप देखिएगा इंशाल्लाह जो आपको नगीना आज दिखाने वाला हूँ तो एक से बढ़कर एक नगीना। जो भी जानवर आपको पसंद आए रिजवान भाई का नंबर ऑन स्क्रीन होगा, आप उनको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट प्राइस भी बता देंगे। हुसन का बादशाह है माशाल्लाह, लाइन किंग टाइप प्रिंट है बछड़े का, गुलाबी नाक में और लाल पासे के अंदर। ठीक है भैया ले जाओ अगला बछड़ा लेकर आओ। अच्छा जी नेक्स्ट ब्यूटी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचा, ज़रा बछड़े की एक नज़र खड़त सिर्फ चेक कर लें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या प्यारी खड़त है, और काले अबलग के अंदर बछड़ा आ रहा है भाई माशाल्लाह। हॉट फेवरेट कलर आजकल ये चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट अबलग के अंदर माशाल्लाह। पाँवों के ऊपर मोजे भी आ रहे हैं चारों पाँवों के ऊपर, और अभी बछड़ा बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले ही बस ये पंजाब से आया है। इस साल इंशाल्लाह बछड़ा 2 दांत हो जाएगा, बेहतरीन जोड़ों में बेहतरीन बनाव के अंदर बछड़ा है। ज़रा चलाना शुरू करो, नाफा झालर हर एतवार से माशाल्लाह बछड़ा A1 है, आउट क्लास बछड़ा है, और खीरा है उस खीरे के ऊपर इतना अच्छा माशाल्लाह वजूद है, तो इस साल अगर आप इसको पालते हैं तो ये बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा जो मैंने अभी पिछले बछड़े के ऊपर जो बात करी है कि मेरे फार्म पे पलाई के लिए मैं ये जानवर ले सकता हूँ, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर पलाई पे नहीं दें। पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि आप सेवन ब्रदर्स के ऊपर पलाई पर दें। वो मैंने बात जो करी वो इस वजह से करी कि मुझे बछड़े इतने पसंद आए कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई माशाल्लाह कोई बछड़ा जो है ना वो इनमें से मैं परचेज़ या तो कर लूँ, अगर रिजवान भाई होते तो फिर मैं उनसे खुद ही डील करता, सौदे की भी बात करता, नहीं तो आप लोग भी उनसे मालूम कर सकते हैं। बेहतरीन पलाई है, अभी पलाई का तो रिज़ल्ट मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ये तो यूँ समझ लें कि इनके फार्म पर जो सी कैटेगरी आप कह सकते हैं वो है, जो ए कैटेगरी है जिसके ऊपर इनकी पलाई है वो आप ज़रा फिज़िकली जब विज़िट करेंगे ना यहाँ पे फार्म पर आके तो आपको नज़र आएगा कि भाई किस लेवल की माशाल्लाह से सेवन ब्रदर्स कैटल फार्म पर जो है ना वो पलाई हुई है और अभी हो रही है। पैकेजेस भी इंशाल्लाह आपको रिजवान भाई इन डिटेल बता देंगे पलाई के। माशाल्लाह बेहतरीन बछड़ा है,
अबलग रंग के अंदर आ रहा है बछड़ा और खीरा बछड़ा है। ठीक है भैया, इसको भी ले जाइए और अगली ब्यूटी लेकर आइए, आगे भी बेहतरीन नगीने आने वाले हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अभी मैं पलाई की बात कर ही रहा था अपने पिछले क्लिप के अंदर, और अभी बछड़ा देखें आपके सामने, माशाल्लाह पलाई का रिजल्ट आ चुका है, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। और ये भी जो इनकी पलाई का जो है ना, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, जो रिजल्ट मैं अभी देख रहा हूँ ना अंदर, जो मैं आज आपको दिखा नहीं सकता वीडियो के अंदर, वो देख के तो भाई माशाल्लाह मैं खुद अमेज्ड हूँ, बहुत ही बेहतरीन पलाई का रिजल्ट है। तो ये जो है ना भाई, सेवन ब्रदर्स कैटल फार्म पर एक और नगीना मौजूद है, पांडे से फेस के अंदर आ रहा है, गुलाबी नाक में, ज़रा चेहरा इधर कराओ, मेरे ख्याल से वो वाली आँख भी इसकी गुलाबी है, वाइट पलके तो हैं, एक आँख जो है वो काली आँख है, हाँ देखो एक आँख जो है माशाल्लाह गुलाबी आँख है। ज़रा चलाना शुरू करो उस तरफ से भी, ज़रा बछड़े की ब्यूटी, ठुसा हुआ बछड़ा है, मेल के अंदर बछड़ा है, गर्दन देखें माशाल्लाह कितनी चौड़ी है, पीछा देखें माशाल्लाह कितना भरा हुआ है, हर एतवार से जिसको कहते हैं ना बराबर की पलाई हुई हुई, बराबर की जो है माशाल्लाह। नाक छोड़ दो, नाक छोड़ के सुकून से चलाओ आराम से, असल में मेल वाले बछड़े जो होते हैं ना वो थोड़ा सा होते हैं एग्रेसिव होते हैं थोड़े से, ज़रा इसको हाँ आराम से चलाओ, आराम आराम से, ये ज़रा चेक करें यार, माशाल्लाह 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 भाई। ये भी अगर मैं कहता हूँ इस बछड़े के ही अगर 12 लाख रुपए मांगे रहे होंगे, जो 5 से 12 है, तो जस्टिफाइबल है। आप ज़रा पंजाब में ज़रा मुल्तान मंडी में ही रेट टच कर लें, इतने बड़े बड़े बछड़ों के क्या रेट चल रहे होते हैं, 20 लाख 25 लाख से बाहर रेट जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये 5 से 12 की दरमियान में जो है ये सारी ब्यूटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। दोबारा यार एक चाल में मज़ा आ जाए थोड़ा सा ना, ऐसी एक चाल दिखाओ ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा करण दिखाओ ना बछड़े का, ये चीज़ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी जानवर पसंद आए आपने रिजवान भाई से कांटेक्ट करना है, वो आपको उसकी सारी डिटेल्स बता देंगे। ये वैसे दांतों में 4 होगी है, दांतों में 4 होगी अभी बता रहे हैं। ठीक है भैया, ले जाइए इसको और अगली ब्यूटी लेकर आइए। चलें जी माशाल्लाह, नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। बहुत ही हसीन बछड़ा, और ये पिछले वाले बछड़े से भी ज़्यादा हसीन है, उसका जोड़ीदार है, खाते में भी उसी के साथ खड़ा होता है, और वैसे ही माशाल्लाह हुसन में भी, बनाव में भी, और साइज़ में भी वही है माशाल्लाह, लेकिन इसका हुसन उस वाले से ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह, दोनों आँखों पर प्रॉपर चश्मा है, गुलाबी नाक है, चौड़ी गर्दन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। लेंथ में, हाइट में, चौड़ाई में, हर एतबार से माशाल्लाह मजबूत पाँव, भरपूर बछड़ा है, और अभी से माशाल्लाह सीना भी निकाल रहा है। ज़रा इसको भी चलाना शुरू करो यार, थोड़ा सा एग्रेसिव है ये भी बछड़ा, ज़ाहरी बात है जब इतना हुसन है तो नखरा भी आएगा और इतना करंट भी आएगा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही करंट वाला बछड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैक देख रहे हैं बछड़े की आप, ओए होए होए माशाल्लाह, आउट क्लास भाई आउट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इन चीज़ों को वंस अगेन फिजिकली आके देखने का मज़ा है, ऐसे मज़ा नहीं है भाई, इससे पहले कि तुम्हें टक्कर मारे इसको ले जाओ भाई और अगली ब्यूटी लेकर आओ। आगे एक 40 साली बछड़ा मंगवा रहा हूँ आपके लिए, देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। शौकीनों ज़रा अपना दिल थाम के बैठो, अब जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, जो शौकीन है उसके तो दिल पे छुरियाँ चलने वाली हैं। ज़रा चेक करो नस्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। प्योर चोलिस्तानी, प्योर चोलिस्तानी, सिंधी में बोलूँ तो पेवर चोलिस्तानी, प्योर चोलिस्तानी के अंदर एक नस्ल का एक जो हुसन है ना, नाफे झालर का, बनाव का, गोल अंडा हो रहा है, और दांतों में सिर्फ 2 दांत भाई, 2 दांत में माशाल्लाह बछड़ा, भरपूर चोलिस्तानी, छोटा सा चेहरा, भरपूर सलामी, भरपूर गर्दन, आगे से पीछे से हर तरफ से माशाल्लाह फुटबॉल बछड़ा बना हुआ है। ये चीज़ ऐसी है कि भाई इसके ऊपर बंदा शौक करे, इसको पाले, और शरीफ बछड़ा है वंस अगेन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, 2 दांत पर आप देख सकते हैं कि बछड़े का ये बनाव, ये वजूद, ये हुसन है। तो जब ये अच्छी पलाई होगी, इसकी पूरा साल आप इसको पलवाते हैं सेवन ब्रदर्स पर, तो कहाँ ये पहुँचेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। कभी कभी ऐसी चीज़ें भरपूर चोलिस्तानी नस्ल में देखने को कभी कभी मिलती हैं, तो माशाल्लाह देख के मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, छोटे चेहरे के अंदर भरपूर हुसन में, भरपूर बनाओ में, ज़रा चलाओ, और इसकी चाल का भी एक अलग ही हुसन है, ज़रा चाल का हुसन आप लोग इसके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रा चाल का हुसन चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब तक एक नखरा ना हो ना चाल के अंदर, चाल में भी मज़ा नहीं आता, अय हाय हाय हाय, चलाओ भाई चलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा करंट से चलाओ, थोड़ा तेज़ चलाओ, जैसे आया था जब ये खाते से खोल के लाए ना, मैं उस वक्त वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी, ऐसी चाल से आया बछड़ा कि बस दिल जीत लिया बछड़े ने, माशाल्लाह, ये चीज़ मेरे अजीज़, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे। चलो भाई ले जाओ इसको, इससे पहले कि नज़र लगे, माशाल्लाह बोल देना भाई,
चलें जी, एक और ब्यूटी आपके लिए निकलवा ली, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए भाई। भरपूर वजूद में, भरपूर हुसन और भरपूर बनाव में नाफा झालर, पहले इसका देख लें, झालर देखें माशाल्लाह, नाफा चेक करें, पीछे से बैक वगैरह चेक करें, सलामी चेक करें, और अभी इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि आंडू है, खस्सी इंशाल्लाह होगा तो मज़ीद अपना रंग भी फेयर करेगा। और ये एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, तमाम बछड़ों में जितने बछड़े आए, सारे बछड़े माशाल्लाह फुल करंट में। अच्छा, पहले जब मेरा अपना फार्म नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि जानवर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है और वो थोड़ा सा भगा रहा दौड़ा रहा है, जबकि अभी जब पलाई शुरू करी है तो समझ में आया कि जिस जगह पे अच्छी देसी चीज़ों की पलाई हो रही होती है ना, तो उधर एनर्जी भी फिर जानवर में वैसी बढ़ती है, तो फिर वो एग्रेसिव होता है, वैसे ही करंट मारता है थोड़ा सा ना जानवर। तो ये भी एक अच्छी पलाई की निशानियों में से है कि सुस्त नहीं है कोई भी जानवर माशाल्लाह। हर जानवर जो भी आप निकाल रहे हैं वो माशाल्लाह से फुल करंट के अंदर है माशाल्लाह। दलिया खाता है जानवर, अट्टी खाता है, तो फिर ये इतना करंट जानवर के अंदर आता ही आता है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, क्या ही बात है माशाल्लाह। लेकर आओ माशाल्लाह 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 भाई। इसके बाद अभी नुकरा भी एक रहता है, नुकरा भी निकलवाऊंगा, एक ब्लैक ब्यूटी भी रहती है वो भी निकलवाऊंगा। ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और बछड़ा दो दांत के अंदर ब्लैक ब्यूटी मैंने निकलवा ली है, अल्लाह पाक नजर बच से बचाए। ज़रा बछड़े की हाइट, लेंथ, नाफा, झालर, बनाव चेक करें माशाल्लाह, फुल भरमबाज बछड़ा है, ब्लैक ब्यूटी। आप इसको ब्लैक डायमंड का नाम भी दे सकते हैं, ब्लैक ड्रैगन का नाम भी दे सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। जो ब्लैक ब्यूटी लवर्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ज़रा चलाओ बछड़े को, चाल वाल देखें सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बछड़ा भी इंशाल्लाह अभी आपको शायद आई डोंट नो कोई फ्यूचर इसका प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं, लेकिन अगर आप इसको पाले ना पूरा साल तो इंशाल्लाह पलने के बाद बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह बछड़ा आने वाला है। अभी सिर्फ दो दांत है, बच्चा है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और मैं एक बात बार बार आप लोगों को कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, एक नज़र ज़रा इनको आके फिज़िकली लाजमी देखिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मोबाइल में, वीडियो में चीज़ें समझ में नहीं आती है। देखो जानवर नखरा कैसे कर रहा है, ये चीज़ है भाई। ज़रा चलाओ चलाओ, दोबारा हल्के हाथ से चलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, ले जाओ इसको, और अब नुकरा लेकर आओ, वाइट नुकरा। चलें जी, अब आपको आखिर में ज़रा एक नुकरा मैं दिखा रहा हूँ, इसके बाद और तो कोई नहीं है ना, आखिरी है ना ये, या आखिरी बछड़ा है। इसके बाद ज़रा एक आध झलक आपको दिखा दूँगा एक दो पांडों की, ताकि ज़रा आपको पता तो चले कि यहाँ पे किस लेवल का माल है। तो नुकरा है भाई ये माशाल्लाह, काफ़ी हाइटेड नुकरा है, ज़रा इसकी हाइट आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है कि ज़रा नखराटू सा है, तो इसलिए जो है ना, वही कहते हैं ना, हुसन होता है तो नखरा आ ही जाता है। मैं कह रहा हूँ इसको ज़रा चलाना शुरू करो, इसका ज़रा नखरा दिखाएं बछड़े का, माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। क्या बात है, क्या ही बात है, चलाओ 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 चलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नुकरा लवर्स के लिए एक बहुत ही करंट वाला नुकरा आपके सामने भाई मौजूद है, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह, और दो बंदों को नचा रहा है अकेले माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। हल्की हल्की रस्सी से चलाओ यार, हल्की रस्सी से चलाओ, ये चीज़ ये हुई ना बात। ठीक है भैया, तो बस इसी के ऊपर, बल्कि इसके बाद आपको एक झलक वो दिखा दूँ, फिर वीडियो एंड करूँगा। ये एक हल्का सा आपको आखिर में ना, ये मैं दो बछड़े बस एक टीज़र के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ फेस ब्यूटी आपको मैं चेक करा रहा हूँ, बाकी है कि आपको आकर ही असल में ये ब्यूटीज़ जो है ना वो देखनी पड़ेंगी, ऐसे वीडियो में दिखाने का मज़ा भी नहीं आएगा। और ये तैयारी में दिखाएंगे इंशाल्लाह साल के आखिर में, तो एक थोड़ा सा आपको टीज़र दे रहा हूँ कि किस लेवल की ब्यूटीज़ मौजूद हैं। एक और तीसरा भी पांडा है, वो उसका भी टीज़र भी फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा, वो तो आपको आकर ही देखना पड़ेगा। अभी दो पांडे आपको दिखा रहा हूँ, एक ये देख लें आप माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, और दूसरा एक और अभी आपको इसके बाद दिखा दूँ, तीसरा वाला आपको फिज़िकली देखने को मिलेगा, उसका टीज़र भी अभी नहीं दिखा सकूँगा। ठीक है भैया, इसको ले जाओ। चलें जी, एक और ब्यूटी आखिर में मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। और ये भी एक हल्का सा आपको टीज़र दिखा रहा हूँ, एंटीक ब्यूटीज़ अवेलेबल है, तो सेवन ब्रदर्स कैटल फार्म पे आपने विज़िट करना है। तो भाइयों, ये थी सेवन ब्रदर्स कैटल फार्म की ब्यूटीज़, आपने देखी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप जब यहाँ पर आएंगे तभी आपको पता चलेंगी किस लेवल की चीज़ें हैं। तो रिजवान भाई से कॉन्टैक्ट करें, अपनी मीटिंग फिक्स करें, गुलमोहर सोसाइटी में विज़िट करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी ब्यूटीज़ आपको मैं दिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।